तो दो भाई थे, एक का नाम रंभ एक का नाम करम, दोनों ने तपस्या की। इंद्र चिंता में पड़ गए। एक दिन इंद्र ने ग्राह का रूप धारण करके करम्भ का पैर पकड़ा और मार डाला। करम्भ मर गया। रंभ को बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा भाई तो मर गया, वंश हमारा नहीं बचेगा। रंभ ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट भए, वरदान मांगो। रंभ ने कहा ब्रह्मा जी से, महाराज हमने तपस्या की, बेटा हो जाए, आशीर्वाद दो। ब्रह्मा जी बोले, आशीर्वाद तो तब फलीभूत होगा जब तुम्हारे विवाह हो। बोले उसकी टेंशन ना लो, किराए से ले लेंगे, आप तो आशीर्वाद दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ आशीर्वाद। अरे रुको रुको, ऐसा आशीर्वाद नहीं, ऐसा बेटा होना चाहिए दुनिया में किसी से जीता ना सके, जीता जा ना सके। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। रंभ वापस आया, एक जगह पानी में बैठी हुई महसी को देखा। महसी जानते हो, भैंस। भैंस को देखा रंभ ने, महसी को देखा। इसका दिमाग खराब हो गया, राक्षस तो था ही, महसी के ऊपर इसका प्रेम आसक्त हो गया। तो श्यामला, क्या तुम मेरे पुत्र की माता बनोगी? महाबली होते हुए भी आप तपस्वी हैं, क्या आप अपनी तपस्या के बल और प्रभाव से मेरा पूर्व रूप फिर से लौटा सकते हैं? संसर्ग किया और वह महसी गर्भवती हो गई। महसी गर्भवती हुई, तत्पश्चात ये रंभ उस महसी को लेकर के पाताल लोक चला गया। और हम इस बात पर प्रसन्न हैं कि तुम हमारे पुत्र की माता बनोगी, क्या तुम्हें भी इस बात की प्रसन्नता है? स्वामी, जगत में ऐसी कौन सी नारी है जो माता बनने पर प्रसन्न ना हो? मेरी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं है स्वामी। पाताल लोक में महसों ने आक्रमण कर दिया। ये महसी को लेकर के रंभ भागा, यक्षों के पास गया। यक्षों ने रक्षा की, रंभ तो मर गया, महसी बच गई। मेरे दोस्त, अपनी इस दुष्टता का परिणाम जानता है दानव महारानी को? मेरे मार छोटे। लेकिन जब रंभ मर गया तो रंभ की शरीर की चिता जलाई गई, तो महसी ने भी प्राण त्यागने का विचार किया और उसी के साथ चिता में जलने के लिए आतुर हुई। और जैसे ही अग्नि में बैठी, उसी वक्त तदंतर महसी वटवृक्ष के सामने जहां चिता रंभ की जल रही थी उसी में जाकर बैठी, तो अग्नि में से दो शरीर धारण करके राक्षस प्रकट हो गए, रक्तबीज और महिषासुर। दो लोग प्रकट भए, रक्तबीज और महिषासुर। महिषासुर नाम का राक्षस प्रकट हुआ, रंभ का पुत्र, बड़ा बलवान। मैं दानवराज धनु का पौत्र और दानवराज रंभ का पुत्र महिषासुर हूँ। महिषासुर ने भगवान की तपस्या की। ब्रह्मा जी फिर प्रकट भए। महिषासुर, तपस्या बहुत की तुमने, कई हजार वर्षों तक। जी महाराज, वरदान मांगो। महिषासुर बोला, वरदान देना ही है तो अमरत्व दे, अमर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हें क्या अमर कर दे, हम खुद अमर नहीं है। जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु तो निश्चित है, तुम कोई और वरदान मांगो बस। ठीक है महाराज, तो और कोई वरदान मांगो। महिषासुर ने वरदान मांगा, महाराज ना मैं मानव से मरूं ना नर से मरूं, सबसे मांग लिया, नारी छोड़ दिया। तो ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना कोई देवता, ना कोई गंधर्व और ना कोई जानवर मेरा वध कर सके। तथास्तु। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बाद में से याद आया कि नारी से बचने का वरदान नहीं मांग पाए। ब्रह्मा जी बोले, अब क्या है? और इसने विचार किया, नारी तो अबला होती, अबला नारी करेगी क्या? रंभ कर दिया, सब देवताओं का छुड़ा लिया सामान। देवताओं से बोले, तुम काम धाम के नहीं हो, भागो यहाँ। यहाँ तक कि शंकर जी और विष्णु जी युद्ध करने आए, महिषासुर के सामने टिक नहीं पाए। विष्णु जी ने चक्कर चलाया, इसने ये थोड़ी देर में भैंसा बन जाए, थोड़ी देर में पुरुष बन जाए। सींग लिया, विष्णु जी के हृदय में मार दिया, विष्णु जी भी भाग गए, शंकर जी भी भाग गए। देवताओं ने कहा कि भैया भागने में ही फायदा है।
जब जब अधर्म बढ़ जाता, पाप बढ़ जाता इस पृथ्वी पर, तब तब परमात्मा कोई ना कोई रूप लेकर के प्रकट होते हैं। अत्याचार बढ़ गया, देवता परेशान, सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि तुम पूरी खाज की जड़ तुम ही हो, तुमने वरदान दिए। अब वो बैठ गया बाप इंद्र बनकर, इंद्र का सिंहासन छुड़ा लिया, देवताओं को गली नहीं मिल रही, जहां तहां वन में देवता बेचारे लोग छिप कर भजन कर रहे, उपाय करो। ब्रह्मा जी बोले हमारे पास उपाय नहीं है, तो दूसरे बोले हैं वरदान है, वरदान दे देते हो, उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले टेंशन मत लो, चलो भगवान विष्णु के पास। शंकर जी के पास होते हुए विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान बोले क्या उपाय है महिषासुर को मारने का? शंकर जी बोले एक ही उपाय है, क्या? इसको वरदान है कि ये किसी से मर नहीं सकता बिना नारी के, पर नारी इतनी बलवान कौन जो महिषासुर के सींग बड़े बड़े, कहीं लग जाए आफत हो जाए। माताएं वैसी ममतामयी होती, कोमल होती, दयावान होती, कौन बचाने वाला है? तो भगवान शंकर ने कहा एक उपाय है, क्या? हम तीनों देवों की शक्ति अगर एक हो जाए और एक रूप में प्रकट हो जाए तो महिषासुर को मारने की शक्ति प्रकट हो सकती है। और देखते ही देखते विष्णु ने अपने तेज को निकाला, ब्रह्मा जी ने अपने तेज को प्रकट किया, भगवान शंकर ने अपने तेज को प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपनी ऊर्जा से आदि शक्ति को जन्म दिया, जिन्हें दुर्गा का नाम दिया गया। और तीनों का तेज प्रकट भया और परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी साक्षात रूप में प्रकट हो गई। आ प्रकट भई और माता दुर्गा रूप लेकर के प्रकट भई। मातेश्वरी को देख करके त्रिदेवों ने प्रणाम किया, माँ हम सब पर आज संकट भारी, महिषासुर, महिषासुर नाम का एक राक्षस बड़ा भारी संकट, आप कृपा करके बचाओ। माता ममतामयी जगत चन्नी भवानी परम्बा ने कहा चिंता मत करो, हम अभी देखते हैं। और इन्हीं अम्बा जी ने उस महिषासुर का वध किया, इस प्रकार मां भगवती प्रकट भई हैं।